एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कॉमन है और हर खवातीन को ये प्रॉब्लम होती है तकरीबन चौथी से पांचवी औरत को। सो दैट इज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगी जो आप नेचुरली और जो आप एक घर पे यूज़ करके इन चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीसीओएस। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और हर चौथी से पांचवी औरत को होती है, डेट इज़ द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और एट द एंड मैं आपको कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ बताऊंगी, होम रेमेडीज़ बताऊंगी, जिसे आप यूज़ करके किसी हद तक फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपकी बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कुछ हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ हार्मोन कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एग मैच्योर नहीं होता है और रिलीज़ नहीं होता है प्रॉपर वे में, जिसकी वजह से ओवरीज में छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं, उनको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज इटसेल्फ तो एक डिज़ीज़ है, लेकिन ये जस्ट ओवरीज को इफ़ेक्ट नहीं करती है, बल्कि इसकी वजह से और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो हार्मोन्स दूसरे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो लाइक अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो हो सकता है उसे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाए। अगर अभी नहीं है तो फ्यूचर में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, कभी आपको पीरियड्स एक महीने बाद आते हैं, कभी दो महीने बाद, कभी आते ही नहीं हैं, चार पाँच महीने गुजर जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 10 दिन के बाद भी पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये इरेगुलरिटी होती है पीरियड्स में हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से। इसके अलावा आपको कैंसर हो सकता है बच्चादानी का, और कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां या कह लें कि ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, आपने अपने पीरियड्स को नोट करना है, तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती रहती है। सेकंड साइन है आपके हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लाइक आपके फेस पे, आपकी चेस्ट पे मर्दाना बाल जो होते हैं सख्त वाले, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि मेल हार्मोन होता है, उसकी मिकदार पॉलीसिस्टिक ओवरीज में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उस वजह से आपके मर्दाना बाल आना शुरू हो जाते हैं, नॉर्मली बालों का प्रॉब्लम हो जाता है, बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, नाखून ख़राब हो जाते हैं आपके, और आपको मोटापा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, आपके वेट आप बहुत ज़्यादा गेन कर लेती हैं। इसके अलावा आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। कम्प्लीटली बांझपन नहीं होता है इससे, लेकिन किसी हद तक इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्योंकि कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है। अब मूव करते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ कि कौन से ऐसे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के केस में। ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपके कुछ हार्मोन्स को चेक किया जाता है उसका लेवल, लाइक टेस्टोस्टेरोन का या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का हार्मोन लेवल चेक किया जाता है, जो कि एक फीमेल बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टेस्टोस्टेरोन की मिकदार इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मिकदार काफ़ी कम हो जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के केस में। इसके अलावा आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो स्किन डायग्नोसिस भी करके आइडिया हो जाता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है या नहीं है। आपकी प्रीवियस पीरियड्स की कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है कि पीरियड्स नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, और इसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उससे भी आइडिया हो जाता है कि ओवरीज में सिस्ट है या नहीं। करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अब इसका ट्रीटमेंट जो है, मैंने आपके साथ कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ या ऐसी चीज़ें शेयर करनी हैं जिससे आप नेचुरल वे में पीसीओएस को काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो आपने ये बहुत ध्यान से समझनी है। सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। डाइट में आपने हेल्दी डाइट लेनी है, आपने ऐसी डाइट लेनी है जिसमें जिंक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो, क्योंकि जिंक हेल्प करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करने में, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में काफ़ी रिड्यूस हो चुके होते हैं, तो उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आपने लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, लाइक साग लेना है या पालक, इस तरह की आपने वेजिटेबल्स लेनी है जिसमें जिंक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो।
इसके अलावा आप फिश ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है कंसीव करने में और प्रेगनेंसी के केसेस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने विटामिन D3 को यूज़ करना है। आजकल क्या है कि विटामिन D3 को भी कैप्सूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लेकिन आपने विटामिन D3 को नेचुरल सोर्स से यूज़ करना है, लाइक सन से आपने उसको एब्जॉर्ब करना है। वो आपने कैसे करना है कि सुबह 9 बजे से पहले वाली जो धूप है वो आपने उसमें बैठना है, और बैठना भी आपने कमर की तरफ है, मतलब कि आपकी ये जो गर्दन का ये एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है विटामिन D3 को, और ये मेन एरिया होता है जो एब्जॉर्ब करता है। सो आप सुबह 9 बजे से पहले वाली धूप में बैठे तो उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा विटामिन D3 की अमाउंट एब्जॉर्ब होती है आपकी बॉडी में, और वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है PCOS को ट्रीट करने में। नेक्स्ट, आपने मेथी दाना, अजवाइन, कलौंजी और साबुत इस्बगोल को छोड़ के बाकी सबको आपने थोड़ा थोड़ा सा कूट लेना है, और थोड़ा मोटा कूटना है, और आपने बिल्कुल चुटकी भर, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसकी अमाउंट डिपेंड करती है आपके वेट पे और एज पे। सो चुटकी भर आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है सुबह नाश्ते से पहले, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है आपके PCOS को ट्रीट करने में और इरेगुलर पीरियड्स को ट्रीट करने में। सो ये कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिसे आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मूव करते हैं कि एलोपैथी क्या ट्रीटमेंट है, मतलब कि जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो वहाँ पर मेडिसिन से क्या ट्रीटमेंट की जाती है। उसमें दो केसेस होते हैं, अगर तो आपके इरेगुलर पीरियड्स को ट्रीट करना है तो उसके लिए डॉक्टर आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देती हैं, जो कि मेल हार्मोन होता है, और आपके जितने भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज को जैसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लाइक आपके हेयर ग्रोथ हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा, तो इस तरह के सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। कुछ औरतें इस चीज़ से डरती हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स क्यों दे रहे हैं, ये यूज़ करना ठीक है या नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर पर छोड़ दें और वो बेहतर जानता है कि किस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है। सो इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इसका कुछ कोर्स होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स का, जो कि काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है PCOS को ट्रीट करने में। कम्प्लीटली उसको क्योर नहीं करता, लेकिन किसी हद तक हेल्पफुल है। नेक्स्ट, अगर आपके इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, ओवुलेशन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको ओवुलेशन इंडक्शन टेबलेट्स दी जाती हैं ताकि आपके ओवुलेशन करवाई जा सके और आगे प्रेगनेंसी को कंसीव किया जा सके। सो मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर की हैं और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। शेयर इसलिए करें ताकि ये बहुत ऐसे लोगों तक पहुँचे जिन्हें किसी हद तक इससे फ़ायदा हो सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप अगर कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।